पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक महिला की हत्या के विरोध में आज प्रदर्शन यहां पर किया और इस दौरान कई जगह पर आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब इसी तरह आपको देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। पुलिस ने हंगामा और बवाल करने वाले कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और उधर चुनाव आयोग ने नंदीग्राम हिंसा के ऊपर प्रशासन से अब रिपोर्ट मांगी है। तो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता रहे हैं, जहां नंदीग्राम में हिंसा भड़कती हुई एक बार फिर से दिखाई दी है। की चादर आंखों पर पसरी है। इन तस्वीरों को पश्चिम बंगाल की नियति भी कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का, लेकिन चुनाव से पहले और बाद की तस्वीर यही होती है, हिंसक और आक्रामक। इस बार हिंसा का केंद्र बना है पूर्वी मेदिनीपुर का नंदीग्राम, जो अतीत के पन्नों ने सियासत की आग में कई बार झुलस चुका है। लेकिन अब एक बार फिर नंदीग्राम की मौजूदा तस्वीर देख लीजिए, जहां सोना चूड़ा इलाके में बुधवार देर रात बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच पहले तो जमकर झड़प हुई, उसके बाद झड़प हिंसा में तब्दील हो गई। नंदीग्राम में हुई हिंसा इस कदर बढ़ गई है कि इस हिंसा में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की जान चली गई, जिसका आरोप लगा टीएमसी पर। ममता बंदोपाध्याय का बदला लेने का ये आह्वान भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने का संकेत है। पॉलिटिकल किलिंग्स की सरगना बन चुकी हैं ममता बंदोपाध्याय। उधर टीएमसी इस मामले में लगे आरोपों को सिरे से नकार रही है और बीजेपी पर पलटवार कर रही है। पूरा देश में बीजेपी का इन फाइटिंग, दे आर फाइटिंग बिटवीन ओल्ड एंड न्यू बीजेपी, सबको पता है। नंदीग्राम में इसका ही नतीजा निकला, एक औरत को मार दिया गया और तृणमूल को मेलाइन करने के लिए तृणमूल के ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में चुनाव आयोग ने नंदीग्राम पुलिस प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है।